लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही क्या भाजपा में मोदी सहा युग का अंत हो गया है? क्या संकेत इसके मिल रहे हैं? दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को अपने बल पर बहुमत हासिल नहीं हुआ। 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरा एनडीए गठबंधन 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही भाजपा यह दावा कर रही थी कि वे अपने बल पर 370 सीटें जीत जाएगी, लेकिन वे 250 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। चुनाव नतीजे बताते हैं कि भाजपा ने 2014 के बाद जिस मोदी सहा युग की शुरुआत की थी, वह अब अपनी ढलान पर है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की अपनी सीटों की संख्या 2014 के लोकसभा चुनावों में अर्जित सीटों से भी कम है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी भाजपा के लिए 2014 के बाद यह पहला मौका है जब वह अपने बल पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई, और आज उसको सरकार बनाने के लिए अपने गठबंधन के सहयोगियों की हां का इंतजार है। चुनाव नतीजे बताते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वाराणसी सीट से चुनाव मैदान में थे, वहां पर उनको 2019 की तुलना में बहुत कम अंतर से जीत नसीब हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी वाराणसी से 4.5 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वे मात्र 1.5 लाख वोटों से अपनी जीत दर्ज कर पाए हैं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने जिस उत्तर प्रदेश पर राम मंदिर के बाद सबसे ज्यादा फोकस किया था, वहां पर वे अब दूसरे नंबर पर पार्टी बन गई है। 2019 की तुलना में उसे करीब 30 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार में आने वाले आधे दर्जन से अधिक मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम अमेठी से स्मृति ईरानी का है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन को भले ही बहुमत हासिल करने में सफलता न मिली हो, परंतु इन चुनावों में उसकी ताकत में आश्चर्यजनक रूप से इजाफा हुआ है। नतीजों से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के 295 सीटें जीतने का दावा किया था, और चुनाव में इंडिया गठबंधन ने तमाम एग्जिट पोल को धराशायी करते हुए 235 सीटें जीत भी ली। चुनाव परिणाम इस बात का साफ इशारा करते हैं कि भाजपा इंडिया गठबंधन, खासकर उत्तर प्रदेश में राहुल अखिलेश की जोड़ी की एकजुटता और उसकी जमीनी सच्चाई का अनुमान लगाने से चूक गए। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत में सबसे बड़ा योगदान करने वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा को जो शिकस्त दी है, उसने भाजपा को हक्का बक्का कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनावों में अमेठी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस के दूसरे नंबर के नेता राहुल गांधी को पराजित करने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, इस बार कांग्रेस के स्थानीय नेता किशोरी लाल शर्मा से हार जाना भी भाजपा के लिए बड़ा झटका है। उधर पश्चिमी बंगाल में भी भाजपा के ऊपर इस बार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह बढ़त बनाई, उससे यही साबित होता है कि वह वहां भी जमीनी हकीकत का अनुमान लगाने में भूल कर बैठी। लोकसभा चुनाव को लेकर जब सभी एग्जिट पोल्स ने प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नित एनडीए सरकार के गठन की भविष्यवाणी की, तो विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन ने उसे न केवल सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि केंद्र में आसान बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा कर डाला था। भले ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दावा कर रहे हो कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन यह भी तय है कि मोदी अब तीसरे टर्म में उतने ताकतवर नहीं होंगे जितना वे पिछले 10 सालों में नजर आए थे। नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे टर्म में गठबंधन की बैसाखियों के सहारे चलना होगा, और उसमें भी टीडीपी और जेडीयू जैसे दल शामिल हैं जो पहले ही एनडीए का साथ छोड़कर जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का 300 सीटें नहीं जीत पाने और भाजपा के अकेले दम पर बहुमत नहीं प्राप्त करने के बाद अब भाजपा के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीतियों पर भी सवाल उठाएंगे। महाराष्ट्र में जिस तरह उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जीत हासिल की है और शरद पवार वाली एनसीपी मजबूत हुई है और भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, वो ये बताते हैं कि राज्य की जनता महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के तौर तरीकों से खुश नहीं है। महाराष्ट्र में भाजपा की चुनौती इसलिए और बढ़ गई है कि वहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा को समय रहते कदम उठाने पड़ेंगे। वहीं अपने बल पर भाजपा के बहुमत नहीं प्राप्त कर पाने से अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दबाव भी बढ़ेगा।
लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संघ को लेकर दिया बयान अब उनके गले की हड्डी बन गया है और अब इतना तय है कि नड्डा की जगह अब जल्द ही भाजपा को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि भाजपा के लिए आरएसएस जो जमीन पर काम करता है उसका फायदा भाजपा को चुनाव में होता है, लेकिन इस बार संघ वैसा एक्टिव नहीं रहा जैसा वह 2014 और 2019 में था। ऐसे में भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से अपनी नीतियों को लेकर 2024 के चुनाव में फेल रहे हैं वो काफी बड़े सवाल पैदा करता है। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।